नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने स्टडी क्यूआर चैनल पर। दोस्तों, हम प्राचीन भारत पढ़ रहे थे और प्राचीन भारत में हम साहित्यिक स्रोतों के बारे में पढ़ रहे थे। इसी क्रम में आज हमारी क्लास 5 है, जिसमें हम कुछ साहित्यिक स्रोतों के बारे में पढ़ेंगे। चलो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। वेदांग तथा सूत्र। वेदांग क्या होते हैं? वेदांग क्या होते हैं? वेदों के अंग को ही वेदांग कहते हैं। और वेदांगों की रचना क्यों की जाती है? वेदों को समझने के लिए वेदांगों की रचना की जाती है। हमारे प्राचीन भारत में 6 वेदांगों का वर्णन किया गया है, जिसमें शिक्षा एक है, ज्योतिष, कल्प, व्याकरण, निरुक्त एवं छंद। बच्चों, आपको ये याद करना होगा, हमारे इतिहास में 6 वेदांगों का वर्णन किया गया है, शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, व्याकरण, निरुक्त एवं छंद। इन्हीं वेदांगों के आधार पर हम वेदों का अध्ययन करते हैं। चलो दोस्तों, आगे चलते हैं। फिर आता है सूत्र। हमारे प्राचीन भारतीय इतिहास में 3 सूत्रों का वर्णन किया गया है। पहला स्रोत सूत्र, दूसरा गृह सूत्र, तीसरा धर्म सूत्र। सूत्र भी इम्पोर्टेंट दोस्तों, सूत्र भी पेपर में पूछे जाते हैं। हमारा MPPCS हुआ, UPPCS हुआ, BRPSC हुआ, कुछ भी हो, हमारा RAS हुआ, इसमें इसके ऊपर अधिकतर क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों। ये आपको याद करना होगा दोस्तों। चलो दोस्तों, आगे चलते हैं। फिर आता है दोस्तों महाकाव्य। महाकाव्य क्या बोलते हैं? महाकाव्य में दोस्तों 8 सर्ग होते हैं, मतलब महाकाव्य मतलब महा प्लस काव्य। वह काव्य रचना जो विशाल हो उसे महाकाव्य बोलते हैं। महाकाव्य प्रमुख हमारे यहाँ 2 हैं, रामायण है और महाभारत है। रामायण की रचना हमारी वाल्मीकि जी ने की थी और महाभारत की रचना हमारी वेद व्यास ने की थी। दोस्तों, इसकी रचना तो होती नहीं है, परंतु इनका संकलन होता है, जो टाइम टू टाइम इम्प्रूव होता रहता है। दोस्तों चलो आगे चलते हैं। फिर आता है प्राण। प्राण भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि प्राणों के आधार पर ही हम अपने प्राचीन भारत के इतिहास का अध्ययन कर सकते हैं। मतलब अधिकतर प्राचीन भारत का अध्ययन हमने प्राणों के आधार पर किया है। चलो दोस्तों, प्राण के बारे में जानकारी लेते हैं। प्राण क्या होता है? प्राणों में प्राचीन भारतीय इतिहास का अच्छा क्रमबद्ध वर्णन किया गया है। जो प्राण है उसमें जो प्राचीन भारत है उसका बिल्कुल सीक्वेंस वाइज वर्णन किया गया है। प्राणों की संख्या 18 है। प्राणों की संख्या कितनी है दोस्तों? 18 है। प्राणों की रचना किसने की थी? प्राणों की रचना लोमहर्ष एवं उनके पुत्र उग्रश्रवा ने की थी। दोस्तों फिर बता रहा हूँ आपकी, इनकी रचना नहीं होती, इनका संकलन होता है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी इम्प्रूव होता रहता है। इसमें सबसे प्राचीन प्राण मत्स्य प्राण है, जो अधिक प्रूव मतलब वेरीफाइड है, मतलब ये लगता है कि हाँ सचमुच में इसकी जो इसमें जो लिखा गया सच है। प्राणों से हम प्राचीन काल से लेकर गुप्त काल तक का इतिहास की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। गुप्त काल मतलब 600 BC तक का इतिहास हम प्राप्त कर सकते हैं। जैसे आपने सुना होगा मत्स्य पुराण, इसमें लिखा हुआ है, उससे हम आंध्र 7 वाहनों के बारे में हम उसके बारे में जानकारी प्राप्त होती है। तो दोस्तों चलते हैं आगे। फिर आता है ब्राह्मणेतर ग्रंथ। जो ग्रंथ ब्राह्मण, वेद, पुराण आदि के बाद लिखे गए हैं, उन ग्रंथों को ब्राह्मणेतर ग्रंथ बोलते हैं। दोस्तों आगे चलते हैं। ब्राह्मणेतर ग्रंथ में आता है पहले बौद्ध साहित्य। दोस्तों हमको बौद्ध के बारे में बहुत कुछ पढ़ना है, पेपर में हमारे MPPSC, UPPCS और BRPSC एवं RAS में अधिकतर क्वेश्चन बौद्ध के ऊपर जरूर आते हैं। तो दोस्तों इसका अध्ययन हम बड़ी विस्तृत तरीके से करेंगे। दोस्तों चलो इसका अध्ययन करते हैं। बौद्ध साहित्य में आता है त्रिपिटक।
त्रिपिटक में क्या किया गया है? त्रिपिटक में बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन किया गया है। बुद्ध ने जो शिक्षाएं दी हैं अपने बौद्ध भिक्षुओं को, उनके बारे में उन शिक्षाओं का संकलन त्रिपिटक में किया गया है। इसको तीन भागों में बांटा जाता है, विनय पिटक, सूत्रपिटक, अभिधम्म पिटक। दोस्तों विद्वांस इसका अध्ययन करते हैं, बौद्ध साहित्य ब्राह्मण के बाद जो साहित्यों का रचना हुई है उसमें सबसे पहले आता है बौद्ध साहित्य। बौद्ध साहित्य में भी सबसे प्रमुख है त्रिपिटक, जिसमें बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन किया गया है। इसको तीन भागों में बांटा गया है, विनय पिटक, सूत्रपिटक एवं अभिधम्म पिटक। चलो दोस्तों आगे चलते हैं। थैंक यू दोस्तों, प्लीज़ सब्सक्राइब, हमारा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एवं लाइक कीजिए। थैंक यू दोस्तों।